वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में एक नई भर्ती के साथ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये भर्ती CGVAP में रिक्वायरमेंट 2018 के नोटिफिकेशन पर आई है। असिस्टेंट ग्रेड की पोस्ट रखी गई है, जिसमें 101 पोस्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके डिटेल्स के पास चलते हैं। छत्तीसगढ़ पर्सनल एग्जामिनेशन बोर्ड CGVAPM के द्वारा ये भर्ती को नोटिफिकेट किया गया है, जिसमें 101 असिस्टेंट्स की पोस्ट रखी गई है। अब लास्ट डेट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, आपको इस फॉर्म को 25 जनवरी 2018 से पहले फिलअप करना होगा। और पोस्ट वैकेंसीज की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, ये असिस्टेंट ग्रेड 30 पे रखी गई है 101 पोस्ट। और सैलरी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, आपको इस पोस्ट पर 19,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी। और जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, इसकी जॉब लोकेशन छत्तीसगढ़ में होगी। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, कैंडिडेट के पास +2 होना चाहिए या फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन का, यानी कि या तो आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में किसी भी यूनिवर्सिटी से हो या आपने +2 को पास किया हुआ हो। जी हाँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, कैंडिडेट के पास 1 ईयर डिप्लोमा भी होना चाहिए इन डाटा एंट्री ऑपरेटर में, या फिर प्रोग्रामिंग विद स्पीड 500 की, यानी कि जो टाइपिंग स्पीड होती है वो आप इसके बारे में जाते जानते ही होंगे। तो फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ 500 की का डिस्क्रिप्शन आपको होना चाहिए। एज लिमिट के बारे में बात करते हैं तो 1/1/2017 से पहले आपकी 28 पूरी हो जानी चाहिए, और मिनिमम मैक्सिमम आपकी 35 ईयर्स आपकी जो एज है वो होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, कैंडिडेट के पास रिमोट बेसिस यानी कि रिटर्न एग्जामिनेशन आपका होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद मैं आपको डेट बता ही चुका हूँ, 25 जनवरी से पहले आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। फ्रेंड्स, अगर इस भर्ती के बारे में आप और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर आपको इसे ओपन करना होगा। इसकी ऑफिशियल साइट मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड, इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है www.cgvapm.gov.in.com पर जाकर आप इसके नोटिफिकेशन को वहाँ पर चेक कर सकते हैं तथा इसकी फुल डिटेल्स को निकाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सारे नोटिफिकेशन को पढ़कर अच्छी तरह से फॉर्म को फिलअप करें और तभी अपने फॉर्म को भरें। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। सो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। इस फॉर्म को भरने में अगर आपको कहीं पर कोई परेशानी आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश कर सकें। थैंक यू दोस्तों, वेलकम।